तस्वीरें कैथल जिले के गांव कैलरम की हैं, जहां 35 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस द्वारा घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। युवक का नाम सुरेंद्र उर्फ काला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष थी। जैसे ही गांव कैलरम की आलपत्ती में पड़ने वाले तालाब के अंदर शव के तैरने की सूचना ग्रामीणों को मिली, तभी डायल 112 को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों द्वारा शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त होने के बाद पता चला कि वह गांव कैलरम का ही स्थायी निवासी सुरेंद्र उर्फ काला है, जो कि देर रात से ही घर नहीं पहुंचा था। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। एक सूचना मिली थी कि जोड़ के अंदर डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पर पहुंच के देखा इसकी डेड बॉडी निकाली है। सुरेंद्र उर्फ काला ये गांव कैलरम का लड़का है, इसके 28-30 साल। तो कैसे पता चला? बस ये सूचना मिली थी, किसी गांव वाले टेलीफोन पर किया, टेलीफोन की सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे हैं। डेड दृष्टि से क्या लग रहा है? बस ये बता रहे हैं कि शराब पीने का आदी था, हो सकता है शराब शुरू पीकर इसका पैर थ्रस गया है और उसकी कारण से अपना ये डूब के मर गया है। कल शाम ने किसी ने देखा भी था 8:30 बजे ही। ये एक्चुअली इसका पोस्टमार्टम करने के बाद इसका पता चल जाएगा। मेरा नाम अशोक कुमार है, गांव कैलरम से, वाल्मीकि बस्ती। इस तालाब के थोड़ी सी साइड में ही हमारा घर है। यहाँ आज करंट में सुबह लेडीजों ने देखा है भाई कोई बंदा तैर रहा है, किसी को ये कंफर्म नहीं था भाई ये बंदा है या कोई पुतला है। फिर 112 को कॉल किया गया, उन्होंने आके मौके पर देखा है भाई वो डेड बॉडी मिली और गांव कैलरम का ही बंदा था, वो नाम उसका काला उर्फ सुरेंद्र था और मैला पट्टी से था वो। और यहाँ पहले भी हादसा हो चुका है, 2 बच्चे गिर गए थे चीक में और वो निकाले थे यहाँ से लेडीजों ने, बचाया था उनको बड़ी मुश्किल से खेलते खेलते। और ये निरा मौत का सामान है जी, बिल्कुल ये बिल्कुल चीक है, इसमें गंध है निरा, यहाँ लोगों का रहना भी मुश्किल है, आसपास जो भी रहते हैं सभी का मुश्किल है और सभी के घर में बच्चे हैं। यदि बाई चांस किसी का पैर फिसल जाता है तो वो निकल नहीं सकता, बड़ा आदमी भी नहीं निकल सकता इसमें से। ये पहले पशु वगैरह भी, हाँ पहले पशु भी फंसे हैं, 2 बच्चे भी गिर गए थे वो निकाले गए हैं। पहले एक और ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे हमारे गिर के, उनकी भी बॉडी पाई थी तिरती हुई, उनका करनेल, आज से करीबन 6-7 साल पहले। हाँ, 4 दीवारी की मांग है और इसको मंदवाने की मांग है जी हमारी भाई। यहाँ पे हादसा हो सकता है, देखो ये यहाँ से आप कैमरा के साथ दिखा सकते हो, जो ये है इधर तालाब रह गया और ये इधर सारा गंद है, ये ठीक है। हम तो यही चाहते हैं भाई ये बंद होए, क्योंकि इसमें और भी हैं भाई, देखो आप यदि कैमरा घुमाओगे उधर देखोगे सभी बच्चे भी हैं, लेडीज भी बैठे हैं, यदि किसी का पैर फिसल जाए बाई चांस और भी हादसा हो सकता है। हाँ उनको सबको खतरा है, पहले नहीं था, पहले मतलब ये था भाई साफ पानी होए करदा, कोई दिक्कत कौन था, अभी तो इसमें ये सारा ही गंद है, चीक है इसमें, मतलब पानी यदि इसमें 3 फुट होगा ना तो 7 फुट चीक है जी इसमें। रामदिया जी, हाँ जी, गांव कैलरम, मेरा भाई था जी, यहाँ जोड़ में डूब के मरिया था पहले, उसमें भी 5-6 साल पहले। और ये श्यामी घर है हमारे, ये घर है हमारे, बच्चों को भी डरा, सभी को डरा। हाँ जी मम, तो सामा जी मारे थे दूर से जी, बढ़िया काम है ये, कईयों बच्चे मर लिए जी, कईयों आओ लिए, चमारा का छोरा मरिया था एक डूब के पर, आज भी वो सब है जो यू भी वो है जी, जोड़े की वजह से वो है, जोड़ा से क्यों होता है।